नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। पंजाब में सियासी घमासान अब और बड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। शनिवार का दिन पंजाब की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण रहा। अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चली आ रही तनातनी कुछ दिन से दबी हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही शनिवार को कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई, राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़क गए। उन्होंने इस बैठक को लेकर विरोध भी दर्ज कराया। उनके बेटे रणिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। और लीजिए, खबर आ गई कि पंजाब के सीएम पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को सौंपा है। अब सवाल ये है कि राज्य का अगला सीएम होगा कौन। सीएम पद की रेस में सुनील जाखड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है। वैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि विधायक दल की बैठक में 40 विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में वोट देते नजर आए हैं, जबकि सिर्फ 25 ने अमरिंदर सिंह का नाम लिया है। खबरों की माने तो काम को लेकर बार बार की जा रही सिद्धू की टिप्पणी और उस पर आलाकमान का कोई एक्शन न लेना, इसी से नाराज चल रहे थे सीएम अमरिंदर सिंह। खबर यह भी है कि सिद्धू को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी नाराज थे। उनका आरोप था कि इस बारे में उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया है। इसके अलावा खबरें हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आगामी चुनावों में पत्नी को टिकट दिलाना चाहते थे। खैर, पंजाब के सीएम का इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब अगले साल यानी 2022 में राज्य में चुनाव होने वाले हैं। वैसे ही कांग्रेस के पास अब गिने चुने राज्य बचे हैं और इसमें भी नेता और मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा और दूसरा दल इसका किस कदर फायदा उठाएंगे। पंजाब में मचे इस सियासी घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज, एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ दो महीनों में, कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, आप तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, दो महीने में तीन बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बनाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आप आज छोड़ दूंगा, और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स, इट इज द डिसीजन, वट एवर रीजन, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया, ठीक है। ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए, मैं वन मिनट अब बात तो करने नहीं देते हूँ, मेरी गलत सुन लो। मैं कहना चाहना थोनू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसन मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मैं मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसको कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 इयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा, अपने लोगों से, और फिर मैं फैसला करूंगा।
आपने जो मर्जी कहना कह लो, आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे।